अगली खबर आ रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई के प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 अक्टूबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ करने के लिए पाठ पुस्तकों का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। यह प्रदेश के लिए ऐतिहासिक कदम है। हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सुविधा मिलना हम सबके लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा मिलने का कलेक्टर व्यापक प्रचार प्रसार करें। जिले के सभी शासकीय और निजी स्कूल तथा कॉलेज में 15 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक कार्यक्रम आयोजित करके हिंदी में मेडिकल पढ़ाई की सुविधा मिलने की जानकारी विद्यार्थियों को दें। इस दिन सभी शिक्षण संस्थाओं में हिंदी में ज्ञान का प्रकाश आलोकित करते हुए दीपक जलाएं। शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थल अथवा शिक्षण संस्थान में शिक्षक विद्यार्थी तथा जनप्रतिनिधि मिलकर हिंदी का गौरव बढ़ाने के लिए सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित करें। सभी जिलों में 16 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक इस संबंध में कार्यक्रम आयोजित करें। एक स्थान पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर जनप्रतिनिधि अधिकारी तथा शिक्षक गण उसमें शामिल हो। इसमें गृह मंत्री द्वारा हिंदी में पढ़ाई के लिए मेडिकल की पुस्तकों के विमोचन का सजीव प्रसारण दिखाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा का लगातार व्यापक प्रचार प्रसार करें। प्रदेश में एक नवंबर को समारोह पूर्वक स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसके कार्यक्रम 1 से 7 नवंबर तक आयोजित होंगे। प्रथम दिन 1 नवंबर को मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में पात्र पाए गए हितग्राहियों को दोपहर 1 बजे समारोह पूर्वक हित लाभ का वितरण किया जाएगा। इसी तरह 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी योजना का समारोह होगा। तीसरे दिन 3 नवंबर को स्वच्छता तथा ग्रामीण खेल से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। सभी जिलों में 4 नवंबर को एक जिला एक उत्पाद योजना के कार्यक्रम होंगे। 5 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करके गौरव दिवस मनाया जाएगा। 6 नवंबर को पर्यावरण संरक्षण के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश स्थापना दिवस समारोह का समापन 7 नवंबर को पुरस्कार वितरण से होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर को छोड़कर प्रदेश के शेष जिलों में 22 अक्टूबर धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री आवास योजना के 4,50,000 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया जाएगा। इस कार्यक्रम की भी पूरी तैयारी करें। कलेक्ट्रेट में NIC केंद्र से भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, प्रभारी कलेक्टर मृणाल मीणा, डिप्टी कलेक्टर संदीप पांडे, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, कुल सचिव अवधेश प्रताप सिंह, विश्वविद्यालय लाल बहादुर सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।